नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से द स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज़ वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर एट अ सर्टेन इंस्टेंस ऑफ टाइम द स्टोन इज एट इट्स लोएस्ट पोजिशन एंड हैज अ स्पीड यू द मैग्नीट्यूड ऑफ सवाल अपना ये द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन विलोसिटी एज इट रीचिज अ पोजिशन वेद द स्ट्रिंग इज हॉरिजोंटल जी बींग एक्सोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ठीक है सिनेरियो ये है कि ये आपका पार्टिकल वर्टिकल सर्कल मोशन कर रहा है नाउ मान लीजिए यहाँ पे आपकी स्पीड यू है ये अपने को दिया हुआ है जब वो पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो ये जो आपकी वी वेलोसिटी है हमें ये बताना है डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या होएगा? चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा? ये अपने को यहाँ पर है ये बताना है नाउ अगर यहाँ पर आपकी वेलासिटी या स्पीड जो है वो यू है और ये आपने लेंथ स्ट्रिंग की एल रखी हुई है तो जब यहाँ पहुँचेगा तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं सो वी कैन से इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी न एनर्जी कंजर्वेशन तब होगी जब आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सोडोफो जीरो है वो सब इस केस में ज़ीरो होएगा सो आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं सो लेटेस्ट से इस लेवल को ही हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट या उसका लेवल जीरो यहाँ मान लेते हैं तो इनिशियल एनर्जी यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो प्लस यहाँ पे कानीटिक एनर्जी जो होगी उसको आप लिखेंगे हाफ़ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे एम जी एल प्लस स्पीड है उसकी वी uh, तो उसकी वजह से कानीटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर विच एम्प्लाइज अगर इसको एम यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं और इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दें सो वी कैन से वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू यू स्क्वायर नहीं सॉरी टू नहीं आएगा ये यू स्क्वायर माइनस टू जी एल ये आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई विच अप्लाइज आपकी वी की वैल्यू हो गई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एल ना हमसे यहाँ सवाल जो पूछा गया है वो सवाल पूछा गया है डेल्टा वी का डिफरेंस तो so, ये आपका फाइनल आंसर नहीं आया है ये अभी यहाँ पे वेलोसिटी आई है अभी हमें डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड बताना है नाउ डेल्टा वी जो अपना बनेगा सो so डेल्टा वी दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑलराइट और क्योंकि आपकी वेलोसिटी ये आई कैप और ये जे कैप में है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब हम लिखेंगे सो so हम कहेंगे डेल्टा वी uh, इसका मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ऑलराइट सो so, uh, इस वेलोसिटी को जब हम लिखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर यानी कि आप इसका स्क्वायर कर देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल प्लस आपका यू स्क्वायर सो आपका ये डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड हो गया सो डेल्टा वी का फाइनल मैग्नीट्यूड जो अपना आंसर है वो आ जाएगा टू इसमें से इनको uh, ऐड करेंगे टू यू स्क्वायर बनेगा टू कॉमन ले लेते हैं यू स्क्वायर माइनस जी एल यानी कि अपना ऑप्शन नंबर फोर वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया